हेलो बच्चों, आज के सेशन में अपन बात करते हैं नाइट्रिक एसिड। इससे पहले के सेशन में अपन ने डिस्कस किया था नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में डाई नाइट्रोजन को और अमोनिया को। नेक्स्ट आज डिस्कस करने जा रहे हैं नाइट्रिक एसिड को। ठीक है, तो देखिएगा नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड को अपन पहले देखेंगे, उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। देखिएगा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड में आप बात कर सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड की। देखिएगा बेटा ध्यान से कि किस तरीके से आप नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लेबोरेटरी मेथड को यूज करते हैं, लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए लेबोरेटरी में आप सोडियम नाइट्रेट को एसिडिक मीडियम में ट्रीट करते हैं, जिससे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और नाइट्रिक एसिड बन जाता है। तो देखिएगा बेटा रिएक्शन, सोडियम नाइट्रेट, यह आपके सोडियम नाइट्रेट, इसको एसिडिक मीडियम H2SO4 के साथ ट्रीट करवाया गया, जिससे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यहां पे देखिएगा सोडियम नाइट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या होता है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाने पे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, या इसको आप बोल सकते हैं सोडियम बाई सल्फेट, सोडियम बाई सल्फेट, क्या बोल सकते हैं बेटा, सोडियम बाई सल्फेट, क्लियर, जिससे आपको नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर हो जाता है। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑन ए लार्ज स्केल बाय ऑस्वाल्ड प्रोसेस। ऑस्वाल्ड प्रोसेस से आप लार्ज स्केल में मोर अमाउंट में नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये स्टेप टू स्टेप प्रोसेस होता है। तो देखिएगा इसमें स्टेप फर्स्ट, 4NH3 गैस प्लस 5O2 फॉरवर्ड रिएक्शन कैटलिस्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर 4NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्रिपेयर हो जाता है। तो देखिएगा फर्स्ट स्टेप में क्या यूज कर रहे हैं यहां पर, अमोनिया। ये क्या है आपके, अमोनिया। अमोनिया का आपने 4 मोल यूज किया, जिसका ऑक्सीडेशन करवाया, ऑक्सीडेशन हाई टेम्परेचर 500 केल्विन एंड 9 बार प्रेशर पर कैटलिस्ट गॉज कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, यहां पर जो होता है आपके पीटी और आरएच, जिससे 4NO का फॉर्मेशन हो जाता है प्लस 6H2O। सेकेंड स्टेप में जो NO गैस प्रिपेयर हुआ है फर्स्ट स्टेप में, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, जिससे NO2 का फॉर्मेशन हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लियर। थर्ड स्टेप में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हाइड्रोलाइज किया जाता है, क्या किया जाता है, हाइड्रोलाइज, जिससे नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और NO गैस बनता है। NO का वापस आप रिसाइकलिंग प्रोसेस करवा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिएगा एक बार फास्टली इसको रिकॉल कर लेते हैं कि फर्स्ट स्टेप में अमोनिया का यूज किया गया, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करवाया गया, जिससे NO नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद स्टेप सेकेंड में NO का फर्दर ऑक्सीडेशन करवाया गया, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, जिससे NO2 का फॉर्मेशन हुआ, जिसे आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 3 स्टेप में हाइड्रोलाइज करवाई जाती है, या H2O के साथ इसको ट्रीट करते हैं, जिससे आपको क्या मिल जाता है बेटा, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन मिलता है, क्लियर। तो ये होता है आपके ऑस्वाल्ड प्रोसेस, क्या हो गया, ऑस्वाल्ड प्रोसेस, क्लियर। स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, देखिएगा नाइट्रिक एसिड की जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने स्क्रीन पर बहुत ही एनिमेशन के साथ शो की जा रही है। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर आपके नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, क्या होता है बेटा, HNO3, क्लियर। HNO3 को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड एंगल है वो 102 डिग्री है,
और बॉन्ड लेंथ 96 पिकोमीटर, ठीक है। फिर ऑक्सीजन नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ 140.6 पिकोमीटर, क्या हो जाता है 140.6 पिकोमीटर। फिर नाइट्रोजन में दो ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में, जिसमें एक डबल बॉन्डेड और एक कोवलेंट बॉन्ड के साथ ये अटैचमेंट रखता है। यहां बॉन्ड एंगल होता है 130 डिग्री और डबल बॉन्ड जो लेंथ है वो जाती है आपके 121 पिकोमीटर, क्लियर। तो आप कह सकते हैं ये एक क्या है, प्लेनर मॉलिक्यूल। तो आप कहेंगे HNO3 इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल, क्या हो जाएगा, प्लेनर मॉलिक्यूल। बॉन्ड लेंथ बिटवीन HO इज 96 पिकोमीटर, ON इज 140.6 पिकोमीटर एंड बॉन्ड एंगल बिटवीन HON, ये वाला बॉन्ड एंगल कितना रहेगा आपके 102 डिग्री और ONO बॉन्ड एंगल जो है वो 130 डिग्री रहता है, क्लियर। तो देखिएगा यहां पर ये एक पूरा स्ट्रक्चर है नाइट्रिक एसिड का, जिसमें प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, बॉन्ड लेंथ बिटवीन HO 96 पिकोमीटर, ON इज 140.6 पिकोमीटर एंड बॉन्ड एंगल बिटवीन HON 102 डिग्री एंड बॉन्ड एंगल ONO इज 130 डिग्री, क्लियर बेटा। MCQs देखिएगा, नाइट्रिक एसिड इज कमर्शियल प्रिपेयर्ड बाय प्रोसेस, ऑस्वाल्ड प्रोसेस होगा इसमें, देखिएगा हेबर प्रोसेस अमोनिया के लिए हो जाता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो होता है वो H2SO4 के, देखिएगा हेबर प्रोसेस अमोनिया के लिए है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है वो H2SO4 के प्रिपरेशन के लिए यूज होता है, ऑस्वाल्ड प्रोसेस जो है आपके यहां पर HNO3 नाइट्रिक एसिड के लिए यूज किया जाता है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हो जाएगा बेटा आपके ऑस्वाल्ड प्रोसेस, क्लियर। द कैटलिस्ट यूज इन कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो यहां पे गॉज जो कैटलिस्ट है उसका यूज किया जाता है, देखिएगा PT/RH, इसको आपने क्या नाम दिया है, गॉज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, गॉज कैटलिस्ट, क्लियर। इन द स्ट्रक्चर ऑफ HNO3 द ONO बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री, तो यहां पे हो जाएगा 130 डिग्री। H2SO4 ये सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन होती है और देखिएगा यहां पर आपके हो जाता है सोडियम नाइट्रेट NaNO3 एसिडिक मीडियम में और क्या बनेगा NaHSO4 प्लस नाइट्रिक एसिड, इसको आपने क्या नाम दिया था, नाइट्रिक एसिड बेटा, ठीक है। क्या रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड में देखिएगा विथ कॉपर, कॉपर के साथ नाइट्रिक एसिड को मिलाते हैं तो मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, कि देखिएगा कोई भी मेटल यूज करें, जैसे कॉपर यहां पर आप यूज कर रहे हैं और एसिड, एसिड कौन सा है, HNO3 है, HNO3 से क्या बन रहा है यहां पर, मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। रिएक्शन देखिएगा, मैं ये इंक हटा देता हूं एक बार बेटा, ओके। तो कॉपर मेटल ली और डाइल्यूट HNO3 के साथ इसको ट्रीट किया गया, जिससे कॉपर डाई नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो गया, जिसे आप कहेंगे कॉपर नाइट्रेट 2NO, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और 4H2O। फिर कॉपर को कंसंट्रेट HNO3 के साथ ट्रीट करवाते हैं तो भी आपके कॉपर नाइट्रेट बनता है और NO2, अब NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अब नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनेगा यहां पे, क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा बेटा।
और H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिएगा यहां पर डाइल्यूट H2SO4 की ये डाइल्यूट HNO3 के साथ कॉपर रिएक्ट करता है और क्या बनाता है 2NO, ओके। और कंसंट्रेट HNO3 के साथ ट्रीट होता है और क्या बनाता है NO2। यहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा और यहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, क्लियर। तो आप कह सकते हैं कि डाइल्यूट HNO3 के साथ सेम कॉपर मेटल अलग प्रोडक्शन देता है, नाइट्रोजन कंटेंट जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो होगा एक नाइट्रिक ऑक्साइड और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये डिपेंड करेगा एसिड के मोल्स पर या यूं कह सकते हैं डाइल्यूशन पर। जैसे डाइल्यूट है तो NO का फॉर्मेशन होगा और कंसंट्रेट है तो NO2 का फॉर्मेशन होगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा विथ जिंक, जिंक के साथ आप मेटल सॉल्ट फॉर्म करते हैं 4Zn प्लस 10 HNO3 डाइल्यूट HNO3 लिया गया, जिंक नाइट्रेट बन गया और N2O का फॉर्मेशन होता है। यह है आपके नाइट्रस ऑक्साइड, इसको आप लाफिंग गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लाफिंग गैस भी कहते हैं। 5H2O फिर कंसंट्रेट के साथ तो जिंक नाइट्रेट तो सिमिलर होगा बट यहां पे कंसंट्रेट के साथ NO2 बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और H2O, क्लियर। तो यहां पर भी देखिएगा डाइल्यूट के साथ N2O बन रहा है और कंसंट्रेट के साथ NO2, ठीक है। कॉपर के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड बना था डाइल्यूशन पर और कंसंट्रेट पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही बन रहा था, क्लियर। फॉस्फोरस नॉन मेटल, नॉन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड फॉर्म एसिड। देखिएगा एसिड का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है एसिड फॉर्म होगा, कोई सॉल्ट फॉर्म नहीं होगा। P4 प्लस डाइल्यूट HNO3 फॉस्फोरिक एसिड बन जाता है, NO2 बनता है 4H2O, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करता है 20 मोल ऑफ HNO3, फॉरवर्ड रिएक्शन 4 मोल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एंड 20 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 4H2O का फॉर्मेशन होता है, क्लियर। विथ आयोडीन, आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है और आयोडिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो नॉन मेटल, यहां पर देखिएगा फॉस्फोरस भी क्या है नॉन मेटल है और आयोडीन भी क्या बेटा नॉन मेटल है, क्लियर। तो नॉन मेटल के साथ ये क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, एसिड फॉर्म कर रहा है, यहां फॉस्फोरिक एसिड और यहां पर आयोडिक एसिड। नेक्स्ट हो जाता है सल्फर, S8 प्लस 48 HNO3 फॉरवर्ड रिएक्शन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन के साथ हॉट एंड कंसंट्रेट फॉर्म में कार्बन के साथ ट्रीट किया गया तो CO2 का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर ये दोनों क्या है, ये भी नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल नॉन मेटल। तो यहां पर आप फॉर्म करेंगे H2SO4 और यहां पर फॉर्म करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। इन रिएक्शंस को आप बहुत ही अच्छे से लर्न कर ले बेटा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। द ब्राउन रिंग टेस्ट, देखिएगा ब्राउन रिंग टेस्ट में क्या होता है, एक टेस्ट किया जाता है जिसमें एक टेस्ट ट्यूब में कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है और वो एक ब्राउन रिंग क्रिएट करता है, ठीक है। देखिएगा होता क्या है यहां पर कि एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ये टेस्ट ट्यूब ले लिया, फ्रेस FeSO4 फेरस सल्फेट यूज करते हैं यहां पर, ठीक है। उसको आप फ्रेस, ये आपने क्या ले लिया FeSO4 सॉल्यूशन, ये क्या लिया FeSO4 सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद आप यहां पर नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड मिक्स कर देते हैं HNO3, ठीक है। ये इसी सॉल्यूशन में मिक्स होगा,
इसके बाद देखिएगा यहां पर टेस्ट ट्यूब की वॉल के साथ साथ H2SO4 के 3 to 5 ड्रॉप्स, क्या किया जाता है, 3 to 5 ड्रॉप्स यूज किए जाते हैं जो टेस्ट ट्यूब के साथ साथ, टेस्ट ट्यूब की वॉल के साथ साथ डाले जाते हैं, ठीक है। जिससे जैसे ही ये यहां पर इस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है और ये धीरे धीरे क्या हो जाता है बेटा, ये धीरे धीरे सरफेस पर एक रिंग बना लेता है। क्या बना लेता है, सरफेस पर एक रिंग बना लेता है। यू क्योंकि ये सरफेस पर ही रिएक्ट करता है, ऐसे एक रिंग बन जाती है, क्लियर। और ये रिंग जो होती है वो क्या होती है, ब्राउन रिंग। जो कॉम्प्लेक्स है आपके Fe H2O का होल 5 NO कोऑर्डिनेट स्फीयर प्लस 2, क्लियर। देखिएगा आयोनाइज्ड रिएक्शन है ये, आयोनाइज्ड रिएक्शन में आपको दिया जा रहा है NO3-, इट मीन ये HNO3 है, प्लस 3 Fe SO4 फ्रेश फेरस सल्फेट यूज किया जा रहा है यहां पर, प्लस 4 H2SO4 जिससे क्या बन गया, NO का फॉर्मेशन हो जाता है, फेरस फेरिक में ऑक्सीडाइज होता है, क्लियर, और H2O का फॉर्मेशन होता है। फेरिक जो है वो H2O के साथ ट्रीट होके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर लेता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ NO मिक्स हो जाता है और एक हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बनता है। इसको आप क्या बोल सकते हैं बेटा, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें डिफरेंट लिगेंड परसेंट है, क्या बेटा, डिफरेंट लिगेंड परसेंट है, क्लियर। क्या तो इस तरीके से आप ब्राउन रिंग टेस्ट को समझ सकते हैं, क्लियर बेटा। एक्शन ऑफ HNO3 ऑन गोल्ड एंड प्लेटिनम, HNO3 का जो एक्शन रहेगा वो गोल्ड पे और प्लेटिनम पर कैसा ये रिएक्ट करता है उसको अपन डिस्कस करते हैं बेटा। तो देखिएगा यहां पर बेसिक फॉर्म में जब सिंपल HNO3 को यूज किया जाता है गोल्ड और प्लेटिनम पर तो ये क्या होता है, इनर्ट होते हैं, कोई रिएक्टिविटी शो नहीं करते। बट जैसे ही आप HNO3 में HCl को यूज कर लेते हैं तो 1:3 रेशियो में ये यूज होगा, जिससे NOCl का फॉर्मेशन हो जाता है, नाइट्रोसाइल क्लोराइड और 2H2SO4, ये 2H2O प्लस क्लोरीन, तो Au प्लस Cl HCl फॉरवर्ड रिएक्शन AuCl4 का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये आपके क्या है, 1:3 रेशियो में, इसको आप क्या कहते हैं बेटा, एक्वारेजिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्वारेजिया। प्लेटिनम के साथ देखिएगा 4Cl 2HCl फॉरवर्ड रिएक्शन H2PtCl4 क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, ठीक है। देखिएगा ये एक्वारेजिया के फॉर्म में गोल्ड और प्लेटिनम पर एक्शन शो करता है, सिंपल फॉर्म में ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा एयू और पीटी के साथ, बट जैसे ही ये यहां पर एक्वारेजिया के फॉर्म में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, जिसमें आपके नाइट्रोसाइल क्लोराइड 2H2O और नेसेंट क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है, नेसेंट क्लोरीन मोर रिएक्टिव होता है, जिससे यह एसिडिक मीडियम में टेट्रा क्लोरोऑरेट का फॉर्मेशन कर लेता है, क्या कर लेता है, टेट्रा क्लोरोऑरेट, और प्लेटिनम के साथ ये बनाता है क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, क्या बनाता है, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड बना लेता है, क्लियर। नेक्स्ट विथ बेंजीन, बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं HNO3 को कंसंट्रेट फॉर्म में, तो कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में ये क्या करता है बेटा,
रिएक्ट करेगा और इसे नाइट्रेशन मिक्सचर कहा जाता है। किस फॉर्म में? मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 प्लस कंसंट्रेट HNO3 इज कॉल्ड नाइट्रेशन मिक्सचर। और रिएक्शन में आपके नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन इज कॉल्ड नाइट्रेशन। और ये रिएक्शन क्या होती है बेटा? नाइट्रेशन हो जाती है विथ टोलुइन। टोलुइन के साथ भी ये रिएक्ट करेगा सेम मीडियम, जिस पर आप कह सकते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रो टोलुइन। 2,4,6 ट्राइनाइट्रो टोलुइन का फॉर्मेशन हो जाता है यहां पर। ये भी आपके नाइट्रेशन रिएक्शन ही है विथ फिनोल। फिनोल के साथ नाइट्रिक एसिड को ट्रीट करवाते हैं सेम मीडियम में, तो भी आपको 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनोल का फॉर्मेशन मिलता है। देखिएगा यहां पर 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनोल इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। क्या होता है बेटा? पिक्रिक एसिड होता है और ये एक्सप्लोजिव इन नेचर, एक्सप्लोजिव नेचर का होगा। विथ कैन शुगर, कैन शुगर सुक्रोज आप यूज कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन करवाया जाता है जिससे ये ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो देखिएगा कैन शुगर, कैन शुगर में सभी कार्बन जो होते हैं वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, नाइट्रेशन हो रहा है। इस रिएक्शन को भी क्या कह रहे हैं आप? नाइट्रेशन। ओके, इसको भी आप नाइट्रेशन नाम देते हैं बेटा। क्लियर? जिसमें ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है 6-mol। एमसीक्यूज देखिएगा। एक्वारेजिया इज ए 1:3 मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड HCl। तो यहां पर आप क्या आ जाएगा? HNO3 और HCl, ये 1:3 में और ये 3:3 में यूज होता है। नाइट्रिक मिक्सचर इज ए मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3। कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3 का मिक्सचर होता है। ब्राउन रिंग टेस्ट इज डन फॉर्म ग्रुप। नाइट्रेट के टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, नाइट्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए यह टेस्ट कंप्लीट करवाया जाता है, जिसमें NO का प्रेजेंस मिलता है। NO से ये डिटरमाइन हो जाता है कि मिक्सचर में क्या है? NO3 नाइट्रेट है। क्या बेटा? नाइट्रेट है। नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन के लिए इसका यूज किया जाता है। कार्बन प्लस 4 HNO3 फॉरवर्ड रिएक्शन A प्लस H2O प्लस 4। तो कार्बन व्हाट इज A? तो आप देखिएगा यहां पर ये क्या होगा बेटा? CO2। A क्या है? CO2। अभी लास्ट टाइम अपन ने रिएक्शन डिस्कस की है कार्बन नॉन मेटल के साथ HNO3 की रिएक्शन। टाइप ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, लाफिंग गैस। इट इज आल्सो कॉल्ड नाइट्रस एसिड N2O, इसे लाफिंग गैस भी कहा जाता बेटा। ठीक है, तो यहां पर अपन वन बाय वन करके अब नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को डिस्कस करेंगे बेटा। तो देखिएगा इसमें सबसे फर्स्ट ले रहे हैं आप N2O, लाफिंग गैस। इट इज ए आल्सो कॉल्ड नाइट्रस एसिड। इट इज स्टेबल एंड कलरलेस गैस, ये स्टेबल है बट कलरलेस गैस है। इट हैज ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, और ये सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में रखता है। डायमैग्नेटिक नेचर का होता है, इसका रेजोनेटिक जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। देखिएगा यहां पर और यहां पर, ये इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। N ट्रिपल बॉन्ड N, कोवलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
क्लियर। तो ये इसका जो है वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो गया, क्या हो गया, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ये इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होता है बेटा। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्लियर। नाइट्रिक ऑक्साइड NO, इसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ओके, इट इज मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन का सबसे स्टेबल ऑक्साइड होता है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टुगेदर हैव 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, और इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। ये क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, 11 है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा इसमें 11 है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों टाइप का एजेंट होता है। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखिएगा इसका, आयोनिक स्ट्रक्चर, कोवलेंट स्ट्रक्चर। ओके, ये तो हो जाता है इसका आयोनिक स्ट्रक्चर, और ये हो जाता है कोवलेंट स्ट्रक्चर। इसमें देखिएगा डाइमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ NO मिलता है, ठीक है, इसी वजह से ये क्या होता है, स्टेबल हो जाता है और क्या बनाता है, N2O2। ओके, क्या बना रहा है ये, N2O2 बना लेता है, ये डाइमेरिक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड, इट इज ए रेडिश ब्राउन गैस। NO2 जो होता है वो कैसा होता है, एसिडिक ऑक्साइड होगा और ये कलर में रेडिश ब्राउन गैस होता है। क्लियर, इट इज पैरामैग्नेटिक नेचर, इट इज डाइमराइज टू N2O4, और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N2O फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखिएगा ये डाइमराइजेशन कर लेता है और N2O4 में एग्जिस्टेंस डेवलप करता है। इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये हो जाएगा आपके, तो देखिएगा यहां से यहां तक जो है वो इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा बेटा, इसमें देखिएगा ऑक्सीजन और 134 डिग्री बॉन्ड एंगल, एंड ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ 120 पिकोमीटर होता है। क्वेश्चंस देखिएगा बेटा, व्हाई डज NO2 डाइमराइज, आंसर NO2 कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इट बिहेव एक्ट ये इट बिहेव्स एज ए टिपिकल ऑड मॉलिक्यूल, ये क्या होता है, टिपिकल ऑड मॉलिक्यूल होता है बेटा। ऑन डाइमराइजेशन इट इज कन्वर्टेड टू स्टेबल N2O4, N2O4 मॉलिक्यूल विथ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3, इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड, ये भी क्या होता बेटा, एसिडिक ऑक्साइड होता है। इट इज आल्सो नोन एज नाइट्रोजन सेस्क्वा ऑक्साइड, ठीक है, सेस्क्वाय ऑक्साइड, नाइट्रोजन सेस्क्वाय ऑक्साइड इसको बोला जाता है। इट इज डायमैग्नेटिक, और ये क्या होता है बेटा, डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा कुछ ऐसा होता है, और ये इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर, देखिएगा ये पूरा का पूरा क्या है, इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होता है, और इसी वजह से, इस स्ट्रक्चर की वजह से ही इसका क्या नाम हुआ है बेटा, नाइट्रोजन सेस्क्वाय ऑक्साइड, सेस्क्वाय ऑक्साइड इसको बोला जाता है। क्लियर,
और इसका जो स्ट्रक्चर है वो हो जाता है ओ एन एन ओ ओ। तो यहां पर देखिएगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच ओ एन ओ बॉन्ड एंगल जो है वो 130, बॉन्ड लेंथ 121 पिकोमीटर एंड नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल 117 डिग्री, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ 186 पिकोमीटर एंड ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल 105 डिग्री। और फिर हो जाता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ यहां पर 114 पिकोमीटर। क्लियर बेटा, इट इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल। ये क्या बेटा, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4, इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड, इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इट इज डायमैग्नेटिक, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखिएगा इसका, ये इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो जाता बेटा, ये इसका स्ट्रक्चर विथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड ऑर्डर। तो यहां पर देखिएगा बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 135 डिग्री, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 118 पिकोमीटर एंड नाइट्रोजन नाइट्रोजन 176 पिकोमीटर। इट इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल, और ये भी क्या बेटा, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5, इट इज एन अनस्टेबल एसिडिक ऑक्साइड, ये क्या होता है बेटा, अनस्टेबल एसिडिक ऑक्साइड होता है। इट इज एन एक्सीलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर हाईएस्ट शो करेगा, इसीलिए इसको क्या कहेंगे बेटा, एक्सीलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखिएगा इसका, इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो ये हो जाता है। ओके, इसमें देखिएगा एक बार डबल बॉन्ड इसके साथ रहेगा तो एक बार इसके साथ हो जाएगा। देखिए यहां पर सिंगल बॉन्ड है तो यहां पर अब डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर चेंज करते रहते हैं। ठीक है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर चेंज का मतलब बॉन्ड बॉन्ड टाइप्स चेंज करते रहते हैं। ठीक है, बट इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ एटम कभी भी चेंजेबल नहीं होते। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर देखिएगा, 120 बॉन्ड एंगल हो गया एन ओ एन के बीच और ओ एन ओ के बीच 130 डिग्री। क्वेश्चन, व्हाट इज द कोवलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5? देखिएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ N2O5, सिंस नाइट्रोजन हैज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर द कोवलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4 1 2 3 4। क्लियर, MCQs is also called laughing gas or laughing grids, जो जाता है N2O. NO is diamagnetic, paramagnetic, both A and B, none of these, तो जाता है paramagnetic, most stable nitrogen का oxide है ये जो paramagnetic होता है। NO2 is reddish brown gas while N2O4 is blackish gas, brownish gas, ये brownish solid, colorless gas और solid, bluish gas और solid, तो जाएगा colorless gas और solid। NO2 is while N2O4 is diamagnetic, paramagnetic, तो जाता है paramagnetic। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर क्या होता है बेटा, NO2 एक ऑड स्पीसीज होती है और N2O4 डाइमर, ये इसमें इवन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये डायमैग्नेटिक हो जाता है और ये पैरा मैग्नेटिक हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।